पास ये गाड़ी आई है i10 स्पोर्ट्स, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी चलते चलते इसके मीटर की जो है सुई रुक जाती है। अब हम करते हैं इसको स्कैन। मतलब ये था इसके अंदर प्रॉब्लम कि गाड़ी चलते चलते जो है मीटर की जो है आरपीएम वाली सुई चलते चलते डाउन हो जाती थी, और जैसे ही वो डाउन होती थी तो वो पिकअप जो है छोड़ देती थी जब तक जो है आरपीएम की सुई उठती नहीं। तो हमने पहले इसको स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करके देखते हैं क्या फॉल्ट है, उसके बाद इस पर काम करेंगे। हमारा स्कैनिंग प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल इसके अंदर जो कोड आए हैं उनको हमने क्लियर कर दिया। दोबारा से जो है इसको रीड करते हैं, नो ट्रबल कोड दिखा रहा है। उसके बाद हम इसको फिर दोबारा लाइव जाते हैं और देखते हैं कि हमारे क्रैंक सेंसर या हमारे जो आरपीएम मीटर जो है वो काम कर रहे कि नहीं। मतलब हम सारे इसके जो जितने भी लाइव पैरामीटर है सब कुछ चेक करते हैं। चेक किया हमने, दोबारा से स्कैन किया, उसके बाद हमको ये फॉल्ट दोबारा आया। क्रैंक सेंसर साफ पोजीशन सेंसर सर्किट P0335 और P0107 मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर बायोमेट्रिक प्रेशर सर्किट लो। तो हमने फिर इनको चेक किया। अब ये हमने क्रैंक सेंसर खोला फिर इसका, अब हम इसका फिर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे जो है क्रैंक सेंसर के अंदर जो वोल्टेज है वो सही बन रही है। पहले हमने गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं, और ये बिना क्रैंक सेंसर के भी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। देखो हमने क्रैंक सेंसर बाहर निकाल रखा है और हमारी गाड़ी स्टार्ट है। अब हम स्विच ऑन करते हैं और अपने क्रैंक सेंसर की सप्लाई देखते हैं कि सप्लाई सही आ रही कि नहीं आ रही अपने ECM से। ये हमने अपना वोल्टेज पे रखते हैं 20 वोल्टेज। बैटरी से ग्राउंड लिया हमने, और ये हम पहले पिन को चेक करते हैं। ढाई वोल्ट के करीब आ रहा है, और दूसरे में पिन में भी ढाई वोल्ट आ रहा है। अब हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। जो हमारा 10 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट
दिखा रहा है। अब हम इसमें क्रैंक सेंसर नया डालते हैं और फिर देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। और हम एक क्रैंक सेंसर नया इंस्टॉल करते हुए गाड़ी के अंदर सेंसर में लगा लिया है। अब हम स्विच ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हम इतने गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए और हमारा आरपीएम जो है 8-9 के आरपीएम पर है। हम गाड़ी ट्राई मार के देखेंगे हमारी गाड़ी ओके है। और हमने गाड़ी की ट्राई मारी और हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके है। काफ़ी देर दूर तक हमने इसको चलाया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हमारा काम जो है ओके हो गया क्रैंक सेंसर बदलने से। थैंक यू वॉचिंग।